हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मिथिला एक्सप्रेस के बारे में। मिथिला एक्सप्रेस जो है रक्सौल जंक्शन बिहार से हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल के बीच में रोजाना चलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मिथिला एक्सप्रेस के बारे में। मिथिला एक्सप्रेस जो है रक्सौल जंक्शन बिहार से हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल तक रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। मिथिला एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 13022। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसे ईस्टर्न रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है। 18 घंटे 5 मिनट में ये रक्सौल जंक्शन से हावड़ा जंक्शन की दूरी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं, 693 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है मिथिला एक्सप्रेस की वो है 38 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। अगर बात करें मिथिला एक्सप्रेस के कोचेस के बारे में तो इसमें ICF के नॉर्मल कोचेस जो है दिए गए हैं और इसमें सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। अगर इसके मुख्य स्टेशन की बात करें तो ये रक्सौल से सगौली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, कियूल जंक्शन, झाझा, जासड़ी, आसनसोल होते हुए ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन में यात्रा जो है अपनी समाप्त करती है। मिथिला एक्सप्रेस कि अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा मिथिला एक्सप्रेस का, वो रक्सौल जंक्शन बिहार से हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके कंफर्म कर सकते हैं, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। मैं जो अभी आपको आगे मिथिला एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो रक्सौल से हावड़ा जंक्शन तक का बताऊंगा। कोचेस वाइज बताऊंगा कि सेकंड AC, थर्ड AC और स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे का किराया कितना है। रक्सौल से हावड़ा जंक्शन तक का जो सेकंड AC का टोटल किराया वो है 1470 रुपये, जिसमें 1350 रुपये तो बेस फेयर है, 50 रुपये इसमें रिजर्वेशन चार्ज है और 70 रुपये के करीब जो है इसमें GST चार्ज है। ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये रक्सौल से हावड़ा जंक्शन तक का सेकंड AC का बताया है। थर्ड AC का जो रक्सौल जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक का जो अपडेटेड और सही किराया है वो है तकरीबन 1030 रुपये, जिसमें 941 रुपये तो बेस फेयर है, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 50 रुपये जो है वो GST चार्ज है। दोस्तों ध्यान रहे, जो GST चार्ज होता है वो सिर्फ AC कोचेस में शामिल होता है, स्लीपर और जनरल अंडरसोल डिब्बों में कोई GST चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा मिथिला एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है तकरीबन 380 रुपये के करीब। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया इसमें 360 रुपये तो बेस फेयर हैं, 20 रुपये इसमें रिजर्वेशन चार्ज है और इसमें कोई डायनेमिक और GST फेयर जो है नहीं इंक्लूडेड है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अंडरसोल डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 210 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर कन्फर्म कर सकते हैं, वहाँ से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिथिला एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं रक्सौल जंक्शन से हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल तक इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। मिथिला एक्सप्रेस जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। ये जो ट्रेन है रक्सौल जंक्शन बिहार से हर रोज़ सुबह 10 बजे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं, 18 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन रामगढ़वा स्टेशन में पहुँचती है सुबह 10:10 पर और 10:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। मिथिला एक्सप्रेस जो है यहाँ पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और तकरीबन 14 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो सगौली जंक्शन में पहुँचती है। सगौली जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है सुबह 10:30 पर पहुँचती है और 10:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 30 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो बापूधाम मोतिहारी स्टेशन में सुबह 11:11 पर पहुँचती है और 11:14 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 50 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो चकिया स्टेशन में पहुँचती है। चकिया स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 11:35 पर पहुँचती है और 11:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 82 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महसी बिहार में सुबह 11:45 पर पहुंचती है और 11:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और 91 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है।
उसके बाद ये ट्रेन जो है मोतीपुर बिहार में सुबह 11:58 पे पहुंचती है और 12 बजे मिथिला एक्सप्रेस जो है वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। मोतीपुर बिहार जो है इस ट्रेन का 7वां स्टेशन है। यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 104 किलोमीटर की जर्नी जो है ये रक्सौल जंक्शन बिहार से मोतीपुर बिहार तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन बिहार में दोपहर के 1:25 पे पहुंचती है और 1:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नारायणपुर अनंत बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:40 पे पहुंचती है और 1:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 135 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है ये ट्रेन। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन सिलाउट स्टेशन में पहुंचती है। सिलाउट स्टेशन में ट्रेन जो है दोपहर के 1:50 के करीब पहुंचती है और 1:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 141 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है मिथिला एक्सप्रेस। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो सीहोर स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 1:58 पे और दोपहर के 2 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और ये जो ट्रेन है सीहोर में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो ढोली स्टेशन में पहुंचती है। ढोली स्टेशन में ट्रेन जो है दोपहर के 2:07 पे पहुंचती है और 2:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 155 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। मिथिला एक्सप्रेस का ढोली स्टेशन जो है 12वां स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 13वें स्टेशन दुबाहा में पहुंचती है। दुबाहा में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:16 पे पहुंचती है और 2:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 160 किलोमीटर की जर्नी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो खुदीराम बोस पूसा स्टेशन में दोपहर के 2:26 पे पहुंचती है और 2:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 168 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है करपुरी ग्राम स्टेशन में दोपहर के 2:35 पे पहुंचती है और 2:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन में पहुंचती है। समस्तीपुर जंक्शन में दोपहर के 2:58 पे पहुंचती है और 3:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उजैरपुर में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:15 पे पहुंचती है और 3:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नजीरगंज बिहार में ट्रेन जो है दोपहर के 3:24 पे पहुंचती है और 3:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो दलसिंह सराय स्टेशन में दोपहर के 3:50 के करीब पहुंचती है और 3:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सटा जगत में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:58 पे पहुंचती है और शाम के 4 बजे मिथिला एक्सप्रेस जो है वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 210 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बछवाड़ा जंक्शन में शाम के 4:27 पे पहुंचती है और 4:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। तेगरा स्टेशन में ट्रेन जो है शाम के 5:01 पे पहुंचती है और 5:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। तेगरा के बाद ये ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन बिहार में शाम के 5:32 पे पहुंचती है और 5:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 232 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन दिनकर ग्राम सिमारिया में पहुंचती है शाम के 6:06 पे और 6:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 240 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बढ़िया बिहार में ये ट्रेन जो है
शाम के 6:34 पे पहुंचती है और 6:36 पे मिथिला एक्सप्रेस जो है वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और रक्सौल जंक्शन से बड़िया बिहार तक की जो दूरी है 256 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन लकी सराय जंक्शन में शाम के 7 बजे के करीब पहुंचती है और 7:01 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और 271 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। किउल जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है शाम के 7:10 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जमुई स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7:58 पे और 8 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और रक्सौल जंक्शन बिहार से जमुई की जो दूरी है ये 300 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो बिहार के झाझा स्टेशन में पहुंचती है। झाझा स्टेशन जो है बिहार का आखिरी स्टेशन है, यहां पर ये ट्रेन जो है रात के 8:55 पे पहुंचती है और 9:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 326 किलोमीटर की करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जासीडी जंक्शन में रात के 9:37 पे पहुंचती है और 9:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 370 किलोमीटर की करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मधुपुर जंक्शन झारखंड में ट्रेन जो है रात के 10:07 पे पहुंचती है और 10:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 4 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 399 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के चितरंजन स्टेशन में पहुंचती है रात के 10:56 पे और 10:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। पश्चिम बंगाल के दूसरे स्टेशन पर मिथिला एक्सप्रेस जो है आसनसोल जंक्शन में रात के 11:26 पे पहुंचती है और 11:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रानीगंज में रात के 11:53 पे पहुंचती है और 11:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 4 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो अंडाल जंक्शन पश्चिम बंगाल में रात के 12:08 पे पहुंचती है और 12:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दुर्गापुर में पहुंचती है रात के 12:28 पे और 12:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 4 मिनट का स्टॉप है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 523 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी समाप्त कर लेती है। यहां तक दुर्गापुर के बाद ये ट्रेन जो है अपने 37वें स्टेशन बर्धमान जंक्शन में पहुंचती है। बर्धमान जंक्शन में ये रात के 1:36 पे पहुंचती है और 1:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भंडेल जंक्शन पश्चिम बंगाल में रात के 2:40 पे पहुंचती है और 2:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और रक्सौल जंक्शन बिहार से भंडेल जंक्शन पश्चिम बंगाल तक की जो दूरी है 654 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन चंदन नगर में पहुंचती है रात के 2:53 पे और 2:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 660 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी समाप्त कर लेती है। सियोरा पुली जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 3:09 पे पहुंचती है और 3:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में जो कि इसका सेकंड लास्ट स्टेशन है, श्रीरामपुर 41वां स्टेशन है, यहाँ पर ये ट्रेन जो है रात के 3:14 पे पहुंचती है और 3:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद मिथिला एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन हावड़ा जंक्शन कोलकाता पश्चिम बंगाल में सुबह 4:05 पे पहुंचती है और 11 या 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 693 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोज़ को भी जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें।
अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।